डीएलआर चतुर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन में भौतिक एवं मानव संसाधन से विद्यालय भवन के मुख्य भाग पर चर्चा करेंगे। विद्यालय भवन के मुख्य भाग उत्तम विद्यालय भवन के निम्नलिखित भाग आवश्यक रूप से स्थापित किए जाने चाहिए। प्रधानाचार्य कक्ष, विद्यालय कार्यालय, विद्यालय कार्यालय, आगंतुक कक्ष, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, विद्यालय कंटीन, गृह विज्ञान कक्ष, सभागार कक्ष, साइकिल स्टैंड, विद्यालय कर्मचारियों के लिए आवास, खेलकूद का कक्ष, उद्यान एवं बगीचा, पुस्तकालय। पहला पॉइंट है आपका विद्यालय के मुख्य प्रधानाचार्य का कक्ष। प्रधानाचार्य का कक्ष मुख्य अध्यापक का कक्ष ऐसे स्थान पर होना चाहिए कि वह संपूर्ण विद्यालय की गतिविधियों पर अपनी नजर रख सके। जहां तक संभव है सके मुख्य अध्यापक का कक्ष विद्यालय के प्रवेश द्वार के समीप ही होना चाहिए, क्योंकि प्रधानाचार्य ही संपूर्ण विद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानाचार्य के कक्ष में विश्राम गृह, शौचालय और स्नान कक्ष होना चाहिए। कक्ष का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि समय समय पर होने वाली छोटी छोटी अध्यापक सभाएं कक्ष में ही संपन्न कराई जा सके। अगला पॉइंट है विद्यालय कार्यालय। विद्यालय कार्यालय को प्रधानाचार्य के कक्ष के समीप होना चाहिए। यह विद्यालय का दूसरा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि किसी भी विद्यालय की सफलता प्रधानाचार्य का विद्यालय के कर्मचारियों के सहयोग से ही संभव होता है। प्रधानाचार्य और कार्यालय के कर्मचारियों के बीच मधुर संबंधों पर आधारित होते हैं। कार्यालय के कक्ष इतने बड़े हों कि सुगमता के साथ कार्य किया जा सके। बैठने व कार्य करने के लिए उचित फर्नीचर हो, साथ ही शौचालय और पानी की व्यवस्था हो। अगला पॉइंट है आगंतुक कक्ष।
कक्ष भी होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में समय समय पर विभिन्न कर्मचारी छात्रों का अध्यापक वर्ग से मिलने लोग आया करते हैं। अगर तो कक्ष आकर्षक और साथ ही सोफा पलंग मेज और टीवी आज से सुसज्जित भी हो, कमरे में शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कक्षाएं। कक्षाएं किसी भी विद्यालय की वास्तविक पाठशाला उसकी कक्षाएं है, क्योंकि छात्रों के ज्ञान का वर्धन कक्षाओं में ही होता है। इसी कारण कक्षाओं का मानकों के अनुरूप होना अति आवश्यक है। अगला पॉइंट है स्टाफ रूम। स्टाफ रूम सभी शिक्षकों के बैठने के लिए उचित फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक अपनी पुस्तकें व अन्य व्यक्तिगत सामान को सुरक्षित रख सके। अगला पॉइंट है ड्राइंग रूम। विज्ञान कक्ष प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान कक्ष होना चाहिए। विज्ञान कक्ष में एक प्रयोगशाला हो, एक विज्ञान कक्ष, एक अध्यापक कक्ष व एक सामान घर। विज्ञान कक्ष में अलमारियां होनी चाहिए जिसमें प्रायोगिक सामग्री को सुरक्षित रखा जा सके। वहां पर हवा, पानी, प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है पॉइंट भूगोल कक्ष। भूगोल कक्ष विद्यालय में भूगोल कक्ष का होना अनिवार्य है। भूगोल कक्ष में निम्नलिखित सामग्री होनी चाहिए। पहला पॉइंट है विभिन्न देशों की जलवायु, वर्षा, वनस्पति को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र, विभिन्न देशों की सीमा को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र। अगला पॉइंट है खनिज संपदा और औद्योगिक प्रगति को प्रदर्शित करता हुआ मानचित्र। अगला पॉइंट वर्षा यंत्र, तापमान यंत्र, वायुभार मापने वाला यंत्र तथा कुतुबनुमा
सूर्य परिक्रमा, ऋतु परिवर्तन। अगला पॉइंट है भू मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र। अगला पॉइंट आपका विद्यालय कंट्री, विद्यालय कंट्री। विद्यालय कंट्री का होना आवश्यक है। कंट्री के में सामान बनाने का अलग कक्ष होना चाहिए। वह छात्रों एवं अध्यापकों के लिए बैठने की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। अगला पॉइंट गृह विज्ञान कक्ष, गृह विज्ञान कक्ष। गृह विज्ञान के अंतर्गत पाकशास्त्र, कपड़ों पर सिलाई कढ़ाई, धुलाई, गृह परिचर्या, प्राथमिक चिकित्सा सम्मिलित होती है। गृह विज्ञान कक्ष सारी सुविधाओं से युक्त होना चाहिए। अगला है सभागार। सभागार विद्यालय के पास स्वयं का एक सभागार होना चाहिए, जिसकी क्षमता इतनी अवश्य होनी चाहिए कि विद्यालय के समस्त छात्र एवं कर्मचारीगण इसमें आराम से बैठ सके। समय समय पर विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को वहां संपन्न कराया जाना संभव हो सके। अगला पॉइंट है साइकिल स्टैंड। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के वाहनों को व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखने के लिए साइकिल स्टैंड का होना जरूरी है। साइकिल स्टैंड को विद्यालय के मुख्य द्वार के समीप ही होना चाहिए। अगला पॉइंट विद्यालय कर्मचारियों के लिए आवास। विद्यालय कर्मचारियों के लिए आवास। विद्यालय कर्मचारियों के लिए आवास विद्यालय द्वारा अपने अध्यापकों और कर्मचारियों के निवास की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उनके लिए विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए। अगला पॉइंट पीने के पानी की व्यवस्था। पीने के पानी की व्यवस्था। विद्यालय द्वारा अपने अध्यापक विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी और छात्रों को स्वच्छ पानी मिल सके, इसकी व्यवस्था के लिए विद्यालय प्रबंधन तथा प्रधानाचार्य दोनों की ही जिम्मेदारी होती है। अगला पॉइंट है खेलकूद कक्ष। खेलकूद
छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में खेल का मैदान भी होना चाहिए। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम कमरों में ही खेल सकते हैं, जैसे कैरम, शतरंज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। कुछ ऐसे भी खेल होते हैं जिनके लिए खेल के मैदान की आवश्यकता होती है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी आदि। इसी के अंतर्गत एनसीसी और स्काउट भी आता है। अगला पॉइंट है उद्यान और बगीचा। उद्यान एवं बगीचा किसी भी विद्यालय की सुंदरता उसके उद्यान एवं बगीचे की ओर से और भी बढ़ जाती है। अतः यह आवश्यक है कि यह विद्यालय के पास जगह है तो उसे उद्यान व सुंदर बगीचों में परिवर्तित कर सके। अगला पॉइंट है पुस्तकालय। पुस्तकालय विद्यालय की पाठ्यक्रम क्रियाओं का उचित पर्यावरण प्रदान करता है। यह अध्यापक और छात्रों की प्रेरणा का स्रोत है। अतः विद्यालय में पुस्तकालय का होना अति आवश्यक है। पुस्तकालय में सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए जिनका स्तर भी अच्छा होना चाहिए। अब एक प्रश्न दिया जा रहा है, उसका उत्तर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से देना है। विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था, विद्यालय में पेयजल जल पर संक्षिप्त लिखिए। नेक्स्ट दिन आपको विद्यालय वातावरण